हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 7 शाम के और हाँ, मुझे अभी रेडी होना है। आप सोच रहे होंगे कि लहंगा वगैरह पहन के कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ गरबा खेलने, तो इसी वजह से मैं अभी रेडी होने वाली हूँ। और कुछ भी नहीं है फेस पे, अभी मैं नहा के आई हूँ जस्ट, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था, तो इसी वजह से हेयर अभी भी वेट ही है। और अभी मैं जाने वाली हूँ थोड़ी देर में गरबा खेलने, तो इसी वजह से मैं अभी रेडी होने वाली हूँ। और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि गरबा मेकअप के लिए, नवरात्रि मेकअप के लिए, तो इसी वजह से मेरा तो नवरात्रि से पहले हुआ नहीं नवरात्रि मेकअप करना, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो अभी मेकअप कर ही रही हूँ गरबा के लिए, तो अभी आपके साथ ही शेयर कर देती हूँ और आपके सामने करती हूँ मेकअप। तो इसी वजह से मैं अभी आपके सामने मेकअप करने वाली हूँ। और यहाँ पर मेरा जो पिटारा है, तो मैंने एक जो जो मुझे चाहिए था अभी सामान, सॉरी गिर गया ब्रश, तो जो जो मुझे सामान चाहिए था, तो वो मैंने इसमें भर के रख दिया है। तो अभी मैं बैठूंगी आराम से और अभी करूंगी मेकअप। तो उससे पहले मैंने सोचा आपके साथ बात कर लूँ और आपको बता दूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, कहाँ पर जाने वाली हूँ। तो और हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाली हूँ। फ्रेंड्स में जो मेरे जिम के फ्रेंड है उनके साथ जा रही हूँ, तो वही आने वाली है, 2-3 फ्रेंड आने वाले हैं जिम से, तो उन्हीं के साथ जा रही हूँ मैं गरबा खेलने। तो मेरा भी मन कर रहा था जाने का, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो उन्होंने बोला ही है तो जाके आ जाते हैं। और चलिए फिर अभी मेकअप स्टार्ट करते हैं और मैं ये डोर लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही मैं बैठने वाली हूँ, तो इसी वजह से सामने से ही दिखेगा सारा। तो अभी इसी वजह से मैं अभी रेडी होने वाली हूँ। तो चलो फिर ज़्यादा बात ना करते हुए पहले रेडी होते हैं और उसके बाद बात करती हूँ आपसे। चलो फिर, मेरा सारा कुछ रेडी करके मैं अभी बैठ गई हूँ यहाँ पे और करती हूँ स्टार्ट मेकअप। तो सबसे पहले मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले लगाती हूँ टोनर, तो आपको सभी को पता है मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और टोनर लगा रही हूँ। ये है रोज ग्लो टोनर गुड वाइब्स का, तो टोनर अप्लाई कर लेती हूँ, उसके ड्राई होने का वेट करती हूँ और उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी ये लैक्मे का स्किन ग्लॉस जेल क्रीम, तो ये मेरा फेवरेट है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा कम इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मतलब जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो इसे यूज़ करती हूँ, जब भी मुझे बाहर जाना होता है या कभी मेकअप करती हूँ तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा पसंद है ये मुझे, लैक्मे का एब्सोल्यूट स्किन ग्लॉस जेल क्रीम। तो इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है अपने माइस्टर एंड टिप्स पे, तो आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है और इसीलिए मैं इसे यूज करती हूँ और इसके ड्राई होने का वेट करती हूँ। और हाँ, मैं बोल रही थी आपको कि ये वाला लहंगा मैंने पहना है, तो ये वाला लहंगा आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। इसमें मैंने तीज में, तीज बोल रही हूँ, हाँ, हरतालिका तीज में ही ये वाला लहंगा पहना था और मेरे पास एक ही लहंगा है एक्चुअली, तो इसी वजह से मैंने आज भी यही लहंगा पहना है और बस अभी रेडी होती हूँ। और हाँ, रेंट से लहंगा लेने का हम लोग सोच रहे थे, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, हमने सोचा कि आज हम लोग जाके आएंगे ऐसे ही और फिर उसके बाद हम लोग कल जाएंगे और कल रेंट से लहंगा वगैरह लेंगे और उसके बाद अच्छे से रेडी होके जाएंगे। बट हमने सोचा, फिर बाद में डिसाइड हुआ दोपहर में कि ऐसे ही चले जाते हैं, जो लहंगे अपने पास है मतलब इतना तामझाम नहीं करते हैं और अपने पास के जो लहंगे हैं वही पहनते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो जान दो, इतना क्या है, तो अपने पास तो है ही लहंगा, तो यही पहन लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें कांच वाच है, तो मतलब ऐसा लगता है थोड़ा सा लुक गरबे टाइप का ही आता है, तो इसी वजह से। और अभी हाँ, ये जो टोनर मैंने अप्लाई किया था ये ड्राई हो चुका है, तो अभी मैं करने वाली हूँ यूज ये स्किन ग्लॉस जेल क्रीम। तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी में लगता है, मतलब ये आप एज ए मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। मैं दोबारा से इसीलिए बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसी वजह से, और इसकी जो स्मेल है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है इसकी, तो इसी वजह से। और बस इसे अप्लाई कर लूँगी थोड़ी से, हेयर थोड़ा सा बीच बीच में आ रहा है, सेट भी नहीं किया है अभी तक, वेट ही है इसी वजह से। और हाँ, यहाँ पर कोई लाइटनिंग सेटअप वगैरह नहीं है, तो इसी वजह से आप माइंड मत करना, थोड़ा सा कलर आपको फेड दिखेगा। तो मेरे जो मैं मेकअप करती हूँ वो ऊपर करती हूँ, और फिर भी मेरा थोड़ा सा मेकअप में मेरा कैमरा का ही प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से थोड़ा सा लाइट दिखता है। तो बस अभी ये जेल क्रीम भी एब्जॉर्ब हो जाने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ कंसीलर। तो 1 मिनट, तो यहाँ पर है मेरे पास ये मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, तो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से अंडर आई एरिया पे और अपने आईलिड पे, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
अब मैं इसे सेट कर लूँगी। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट, तो इससे मैं इसे सेट कर लूँगी। और उसके बाद मैं अपने आईब्रोज डन करूँगी। तो आईब्रोज मेरी आपको तो पता ही है कि थोड़ा सा थीन हो गई है, अभी क्या कर सकती हूँ। तो आईब्रोज अभी डन करने वाली हूँ। तो आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ म्यूज़िक फ्लोर का जेल आईलाइनर। तो इससे जो इसमें से जो ब्राउन शेड है वो मैं यूज़ करती हूँ आईब्रोज के लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब नेचुरल सा लुक आता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये। एक मिनट। और हाँ मतलब ये ना आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लेके अप्लाई करना है, नहीं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लोगे तो फेक जैसा दिखेगा। तो इसी वजह से एकदम हल्के हल्के स्ट्रोक में आपको अप्लाई करना है। अगर आपको देखना है कि मैं अपनी आईब्रोज किस तरह से डन करती हूँ, तो वो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है माई स्टाइल एंड टिप्स पे, तो आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो। मतलब उसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि मैं अपने आईब्रोज को किस तरह से मतलब बनाती हूँ, आईब्रोज किस तरह से फिल करती हूँ, और आप देख सकते हो डिफरेंस इसमें और इसमें। बस हल्के हल्के स्ट्रोक्स लेने हैं आपको। सो गाइज आप देख सकते हो मेरे आईब्रोज मैंने डन कर लिए है, और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि मेरे आईब्रोज इतनी ज़्यादा थीन है। तो ऐसे ही ट्रिक अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत नेचुरल दिखता है वैसे। और बस उसके बाद मैं लगाऊंगी आई शेडो। तो आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट रोज़ इन द एयर, और इसमें से मैं ये वाला शेड लेती हूँ। पहले मैं ये शेड लूँगी अपने क्रीज पे अप्लाई करने के लिए। और आप देख सकते हो मैंने दोनों क्रीज पे ये वाला शेड अप्लाई कर लिया है, सॉरी ये वाला शेड अप्लाई कर लिया है इसमें से। और ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब भी आई शेडो लगाते हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आई शेडो में ब्लेंडिंग होती है, उससे आपका आई शेडो जो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है। और आप अगर ब्लेंड नहीं करोगे ज़्यादा उसे तो आपका आई शेडो पैची पैची सा लगेगा, अगर ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ थोपा है उसमें। तो इसी वजह से आप ब्लेंड करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा आपको आई शेडो को। तो इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आई शेडो अप्लाई करने में। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये वाला शेड, तो ये वाला मैं फिंगर से ही अप्लाई करूँगी। तो ये वाला मुझे बीच में लगाना है जहाँ पर गैप थी। तो डार्क कॉफ़ी कलर है ये मतलब, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बस आप देख सकते हो। अजी जाना पिल्लू जा मिल्लू। हाँ तो उसके बाद मैं यूज करूंगी अभी अभी मैंने सारा कुछ ब्लेंड कर लिया है। और हाँ अद्विक आ जाता है ना तो थोड़ा सा मुझे बात करने में प्रॉब्लम होता है, इसको बोला था माही को उधर जाके बैठो और उधर बेडरूम में लेके बैठो, बट वो आ गया और बोल रहा है कि यहाँ पर ही रुकना है उसे। तो मैंने सोचा चलो जाने दो, अब तो शांत रहेगा ना अद्विक। हाँ बैठ जाओ, पीछे पीछे बैठ जाओ, शांति से रहेगा इसीलिए अभी। तो बस मेरा आई शेडो अप्लाई हो चुका है। काइस नहीं थे। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ये SQ का लाइनर है, ये वाला जो है वो ब्रॉन्ज है, शायद गोल्डन शेड है इसका। तो इसे मैं अप्लाई करूंगी एज ए लाइनर, तो मैं ब्लैक लाइनर यूज नहीं करने वाली हूँ आज। अद्विक ने देखो चेयर वेयर लाके रखी है यहाँ पे और बैठ गया। अद्विक धक्का नहीं देना सिर्फ। हाँ मतलब ये लाइनर ना सिंपल है बट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब इस तरह से आप अगर लुक करोगे ना तो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने कितनी ज्यादा मेहनत करी है इस पे। गाइज आप देख सकते हो मैंने दोनों आईज को कंप्लीट कर लिया है, और आप देख सकते हो कितना सुंदर लुक आ रहा है, बहुत ही जल्दी होता है। तो आप इस ट्रिक को जरूर आजमाना, बहुत ही मतलब जब भी आपको कम टाइम रहता है ना तो इस तरह का आप आई लुक कर सकते हो और बहुत ज्यादा क्लासी लगता है, और आप किसी को लगेगा भी नहीं कि इतना जल्दी आपने मेकअप किया है ये।
उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये वाला प्राइमर, ये है NYB का प्राइमर और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और इससे आपका जो ऑयल है बहुत देर तक क्रीज नहीं करता है, तो इसी वजह से मैं अभी इसे यूज़ कर लूँगी। और जेल प्राइमर है ये। अच्छे से अच्छे से इसे अप्लाई कर लेना है, ये ऐसे बैठता है ना तो ऐसे ही करता है, तो इसी वजह से मैं इसको लेके जाने के लिए बोलती हूँ मायंगी को। तो अच्छे से अद्वीक आप जाओ, नहीं तो उधर, नहीं तो यहाँ पर बैठने के लिए नहीं मिलेगा आपको। तो अच्छे से रहोगे ना यहाँ पे। तो इस तरह से आपको प्राइमर अप्लाई कर लेना है और इसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। फिर उसके बाद मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ करूँगी ये लॉरियल का ट्रू मैट फाउंडेशन। तो ये इस तरह से है और ये जो है फाउंडेशन मतलब नाइट पार्टी के लिए या नाइट फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसे अगर अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा इसमें जो पार्टिकल्स है वो एकदम शाइनी है, ये थोड़ा सा हल्का सा शाइनी है, तो इसी वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फेस पे फाउंडेशन लगा लूँगी पहले और इसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से। नेक को कभी नहीं भूलना चाहिए, नेक पे भी अप्लाई करना चाहिए फाउंडेशन हमेशा, आपको नेक को कभी नहीं मत भूलिएगा, क्योंकि नेक पे अगर आप फाउंडेशन अप्लाई नहीं करते हो ना तो नेक और फेस का कलर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। बस इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से, आपको ब्लेंडिंग इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है तो वो है ब्लेंडिंग, और नहीं तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा पैची पैची दिखता है। थोड़ा सा ईयर पे भी आप अप्लाई कर लीजिए। मेरा फाउंडेशन भी ब्लेंड हो गया है अच्छे से और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्लॉलेस लुक आ रहा है। ईयर पे अप्लाई करना नहीं भूलना है, ये देखो बड़ बड़ कर रहा है इधर। उसके बाद आपको फाउंडेशन को पाउडर से सेट करना है कॉम्पैक्ट से। बाद में कॉन्ट्रोलिंग करूंगी, तो कॉन्ट्रोलिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये NYB की कॉन्ट्रोल स्टिक। तो बस आपको इस तरह से थोड़ा सा नोज कॉन्ट्रोलिंग भी करूंगी। बस इसे ब्लेंड कर लेना है आपको अच्छे से। इस क्रीम कॉन्ट्रोल को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये शिवाना का अल्ट्रा प्लस पैलेट में से ये कॉन्ट्रोल शेड, और इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। जब भी आप क्रीम कॉन्ट्रोल करते हो तो आपको अच्छे से उसे सेट करना होता है वही शेड से, तो यहाँ पर वही कर रही हूँ मैं। कॉन्ट्रोलिंग हो गई है, अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश। तो यहाँ पर मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ ये पीच वाला। ब्लश अप्लाई हो चुका है, मैंने हल्का सा ही ब्लश लगाया है और थोड़ा सा लाइट दिखता है इस कैमरे में तो थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं इतना। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी काजल, तो काजल के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन का कोलोसल काजल, सुपर ब्लैक काजल है ये, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जहाँ पर मुझे लॉन्ग लास्टिंग काजल अप्लाई करना होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसी वजह से मैं ये काजल अप्लाई करूँ। एक मिनट, मुझे दिख नहीं रहा, तो ये काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बाहर जाती हूँ कहीं ज़्यादा मुझे देर तक कहीं रुकना होता है तो मैं यही काजल अप्लाई करती हूँ। और मैंने जो थोड़े से विंग्स है वो ब्लैक कलर के जैसे फिशाई टाइप के इससे कर लिए हैं, ब्लैक आईलाइनर से NYB के, तो थोड़ा सा फिशाई टाइप का कर लिया है यहाँ से। तो मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी लैश सेंसेशनल मस्कारा, ये है मेबलिन का लैश सेंसेशनल वाटरप्रूफ मस्कारा है ये, तो इसे मैं यूज़ करूँगी और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब वाटरप्रूफ है तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा, और लैशेज इससे बहुत ही ज़्यादा, ऐसे आपको फेक लैशेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से, और मेरी लैशेज बहुत ज़्यादा कम है
तो इस वजह से मैं इस तरह के मस्कारा यूज़ करती हूँ जो आपके लैशेज को बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिखाता है। आप देख सकते हो इस वाले लैशेज में और इस वाले, यहाँ पर कोई लैशेज दिख ही नहीं रही है और यहाँ पर देखिए। अब मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया और आप देख सकते हो बिल्कुल फेक लैशेज की ज़रूरत नहीं पड़ती इस वाले मस्कारा से, और मेरी लैशेज पहले ही कम थी और आप देख सकते हो। मस्कारा अप्लाई हो जाने के बाद मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा ये ब्रॉ बोन पे हाइलाइटर, तो ये है मास्टर क्रोम हाइलाइटर मेबलिन का, और ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस ये अप्लाई हो जाने के बाद मैं वही मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ करूँगी अपने हाईलाइट करने के लिए चिक्स बोन को, नोज़ को एंड क्यूपिड्स बो को। मैं हल्का हल्का ही सही हाइलाइटर लगाऊंगी, नहीं तो लाइट्स में बहुत ज़्यादा चमकेगा ये। अभी मेकअप हो गया है डन, अभी लिपस्टिक की बारी है, तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी ये मेबलिन की सुपरस्टे मैट इंक लिपस्टिक। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसकी तारीफ़ मैंने इसका जब रिव्यू किया था उस टाइम भी बहुत ज़्यादा की थी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसका जो शेड है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इसी वजह से, मतलब ये ऐसी है कि ये कल तक नहीं निकलेगी आपसे, आपके लिप्स से। और मेकअप डन हो चुका है और लिपस्टिक भी अप्लाई हो चुकी है। अब मैं ये थोड़ा सा स्मज करूंगी इस वाले आई शेडो से नीचे, यही स्टेप मैं भूल गई थी, थोड़ा सा लुक इससे अच्छा आता है इसी वजह से। बस हो चुका है मेकअप डन, अभी इसके बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी, और ADS का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। अभी मुझे दिख नहीं रहा है, थोड़ी देर के बाद यूज़ करूँगी, इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, सेट रहेगा काफ़ी देर तक। और मेरे मेकअप कहाँ रख देती हूँ मुझे भी पता नहीं रहता है, तो चलिए फिर अब मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ और कैसा लग रहा है लुक ज़रूर बताना। और हाँ, ये वाली बैंगल्स पहनी है और इस तरह से रेडी हुई, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हुआ है गाइज, बट थोड़ा माइंड मत करना। और अभी मैं आपको फुल लुक दिखाने के लिए माही को बोल देती हूँ, थोड़ा सा माही फुल लुक दिखाएगी आपको और उसके बाद मैं जाती हूँ अभी, और वो लोग वहाँ पर वेट कर रहे होंगे, तो चलिए मैं जल्दी से निकलती हूँ। और तो चलिए अभी मैं फुल लुक दिखाती हूँ आपको। So I said no, 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 it was supposed to be my pentagram, what did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions, I can't do... आपने देख लिया, और चलिए फिर अभी निकलती हूँ मैं और वहाँ पर जाने के बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, हम लोग पहुँच गए हैं और ये है मेरे फ्रेंड हाय और माही, और कुछ फ्रेंड्स अंदर गए हैं तो इसी वजह से अंदर बात नहीं करना होगा आपसे, इसी वजह से मैं यहाँ पर, और गाने का आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मैं घर पे आ गई हूँ और हाँ, बहुत एंजॉय किया आज हमने, बहुत थक गई हूँ मैं एक्चुअली, बाहर से हम लोग थोड़ा सा खा के आए हैं। और हाँ, माही जो है वो वहाँ पर गई है कॉलोनी में जो गरबा है, मैं भी गई थी थोड़ा सा वहाँ पर भी खेली, बट वहाँ का शूट नहीं किया मैंने। और फिर आ गई घर पे क्योंकि अद्विक भी था और श्रीकांत के पास था अद्विक, इसी वजह से, और अद्विक को लेके जाना कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ पे, तो भीड़ में इतने छोटे बच्चे तो वहाँ पर दिखे भी नहीं मुझे। और बस अभी माही वहाँ पर खेली रही है, आई नहीं है, यहाँ से दिखता है वहाँ का गरबा तो आई नहीं है,
मैंने उसको बोला चलो घर पे, तो उसको और एंजॉय करना था इसी वजह से वो वहाँ पर गई है, तो और मेरा पफ थोड़ा सा ख़राब हो गया। और हाँ क्या बोलते, तो मैंने ज़्यादा हेयर स्टाइल में टाइम नहीं दिया, क्योंकि हेयर स्टाइल मैंने ऐसे सिंपल सिंपल सी बनाई थी, सिर्फ ऐसे खुले छोड़े थे और थोड़ा सा पफ बना लिया था और बस ये ज्वेलरी पहन ली थी, तो ऐसे ही था। और माही का लुक भी अच्छा था, बट माही ने अभी शूट ही नहीं करने दिया मुझे, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, तो उनको कॉल आया फ्रेंड्स लोगों का, तो मैं जल्दी जल्दी चली गई थी। और चलिए फिर मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप में से कोई मराठी मुझे देख रहे हैं, तो एक मेरा मराठी चैनल भी है, ब्लॉग चैनल, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।